में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नवरात्र के उपलक्ष्य पर मानेवाड़ा के बालाजी नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव जारी है। चित्रकूट के भागवत कथाकार योगेश कृष्ण महाराज भक्तों को भागवत कथा के प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उनके मुख से प्रभु की कथा सुन मौजूद श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर जयकारा लगाने लगे। कथा व्यास ने श्री हरि के भजन से कथा की शुरुआत की। इसके पश्चात भक्तों को प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा विस्तृत तरीके से सुनाई गई। महाराज ने कहा कि जब प्रभु अपने बाल्यकाल में बांसुरी बजाते थे तो आसपास मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उनकी भक्ति में लीन हो जाता था। उन्होंने मौजूद भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के पुतना उद्धार की कथा भी सुनाई। बीच बीच में कथा व्यास ने अपने भजनों से भी पंडाल को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने माखन चोरी गोवर्धन पूजा की कथा का सुंदर वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान की लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। बालकृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। श्री द्वारकाधीश देवस्थान का 28वां वार्षिक उत्सव कांची प्रतिवादी भयंकर मठाधीश जगतगुरु श्री श्री निवासाचार्य जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव में 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे कदम भात की गोष्ठ प्रसाद भगवान को अर्पण कर प्रसाद रूप में वितरित किया गया। श्रीमन नारायण उच्चारण से मंदिर मंडप गुंजित होता रहा। शाम को 6 बजे भगवान का कल्याणोत्सव हेतु बारात भ्रमण के लिए बाजे गाजे से निकाली गई एवं भगवान का कल्याणोत्सव संपन्न किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर उपस्थिति दर्ज की। 7 अप्रैल को सुबह 9 बजे मंगल कलश शोभा यात्रा मंदिर से निकाली, जो किराना उली होते हुए माहेश्वरी भवन शहीद चौक टांगा स्टैंड से मंदिर पहुंची, जहां भगवान का महाभिषेक वेदोक्तविद पंडित जनों के मंत्रोच्चारण के माध्यम से विधिवत संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर मंडप में कीर्तन जारी रहा। भगवान के दर्शनार्थ लोगों का तांता लगा रहा। महाभिषेक के बाद लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। अनंतर रामानुज कोट सत्संग भवन ने भक्तों से आयोजन में उपस्थित हुए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। परिचालन के अपरिहार्य कारणों से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत कुछ रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रद्द होने वाली गाड़ियों का विवरण इस प्रकार है। गाड़ी नंबर 08754 इतवारी रामटेक मेमू स्पेशल 30 अप्रैल 2022 तक रद्द रहेगी। गाड़ी नंबर 08755 रामटेक इतवारी मेमू स्पेशल 30 अप्रैल 2022 तक रद्द रहेगी। गाड़ी नंबर 08756 नागपुर रामटेक मेमू स्पेशल को इतवारी रामटेक के बीच चलाई जा रही है। इस खंड पर गाड़ी नंबर 08751 रामटेक से इतवारी मेमू स्पेशल का परिचालन पहले की ही तरह जारी है। गाड़ी नंबर 08705 रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल 10 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक रद्द रहेगी। गाड़ी नंबर 08706 डोंगरगढ़ बिलासपुर मेमू स्पेशल 10 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक रद्द रहेगी। गाड़ी नंबर 08709 रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल 10 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक रद्द रहेगी। गाड़ी नंबर 08710 डोंगरगढ़ रायपुर मेमू स्पेशल दिनांक 11 अप्रैल 2022 से लेकर 1 मई 2022 तक रद्द रहेगी। वर्धा जिले के देवली में आयोजित विदर्भ केसरी बालक एवं बालिका कुश्ती प्रतियोगिता में नागपुर कुश्ती अकादमी की बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्वर्ण पदक जीता। नागपुर कुश्ती अकादमी के अध्यक्ष पूर्व महापौर संदीप जोशी ने स्वर्ण पदक विजेता प्रांजल खोबरागड़े, अंशिता मनोहर और कांस्य पदक विजेता श्रुति शिरसाट को बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की। देवली में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक विदर्भ केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में विदर्भ के विभिन्न जिलों से पहलवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में नागपुर कुश्ती अकादमी की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अकादमी की प्रांजल खोबरागड़े और अंशिता मनोहर ने क्रमशः 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। श्रुति शिरसाट ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लड़कियों की सफलता में नागपुर कुश्ती अकादमी के गोवर्धन वर्टी, रामा येंगल, सुनील गाड़गिलवार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर नागपुर कुश्तीगीर अकादमी के गणेश कोहले, हरिहर भुवालकर, सीताराम भूतमांगे, रमेश खाड़े, बुधाजी सुरकर, दयाराम भूतमांगे, प्राचार्य जाधव, सुधीर मनोहरे, दिनेश कोवे आदि उपस्थित थे। नागपुर शहर और नागपुर कुश्ती अकादमी द्वारा खेल क्षेत्र के तीनों पहलवानों की सराहना की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा
10 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 6:30 बजे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर में प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाथ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में वर्धा के सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित वसंत महादेवराव जलित द्वारा वायलिन वादन की प्रस्तुति दी जाएगी। पंडित वसंत महादेवराव जलित विदर्भ के जाने माने कलाकार है। इन्होंने पिता स्वर्गीय पंडित महादेवराव जलित से शास्त्रीय संगीत एवं पंडित वी जी जोग से वायलिन वादन की शिक्षा प्राप्त की है। हिंदुस्तानी संगीत में एमए किया है, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के भी उच्च श्रेणी के कलाकार है। संगीत अलंकार, सुरमणि एवं 2009 में राष्ट्रपति से भी सराहना प्राप्त कर चुके हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित है। देश के कई समारोह एवं कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी है। कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत भी की गई है। इस कार्यक्रम के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क रखा गया है। प्रवेश पत्रिका कार्यक्रम के दिन कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध रहेंगी। रसिका श्रोता इस प्रातःकालीन संगीत सभा का आनंद उठाए, यह आह्वान दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अधिकारियों की ओर से किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा सक्करदरा पुलिस स्टेशन में कैंसर जागरूकता एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। मंच पर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वाईएस देशपांडे, पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल, संस्था के सचिव डॉक्टर मनमोहन राठी एवं कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा उपस्थित थे। अपने प्रास्ताविक में डॉक्टर राठी ने कैंसर के खतरों से आगाह किया एवं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कैंसर के विभिन्न प्रकारों की जानकारी दी एवं जीवन शैली में जरूरी बदलाव लाने पर जोर दिया। इसी तरह डॉक्टर देशपांडे ने कहा कि समय रहते जांच व उपचार कर कैंसर से बचा जा सकता है। पुलिस निरीक्षक पाटिल ने आयोजन हेतु कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने अनेकों कैंसर पीड़ितों को पूरी तरह ठीक होते देखा है। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, अपितु समय रहते जांच करवाना जरूरी है। शिविर में पुलिस कर्मियों की जांच कर उनका मार्गदर्शन किया गया। वैशाली नगर स्थित सिंधु भवन में 2 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन में पुणे के स्वामी ज्ञान दीपक ने श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि मनुष्य का अहंकार ही प्रभु भक्ति में उसकी सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में जब तक अहंकार रहेगा तब तक मनुष्य के जीवन में शांति नहीं मिलती। अहंकार से मन में भेद रहेगा और जहाँ भेद रहता है वहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अंत में सुंदर भजनों के गुणगान से कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सेवा मंडल द्वारा स्वामी ज्ञान दीपक व पंडित दयाल शर्मा का सत्कार किया गया। इस अवसर पर सुनील महाराज, अमित कुमार, राजू जानी, जीतू संतानी, राजू देवदानी, सचिन गिद्वानी, कुंगवानी आदि उपस्थित थे। धारस्कर रोड इतवारी स्थित श्री द्वारकाधीश देवस्थान के वार्षिकोत्सव में पधारे कांची प्रतिवादी भयंकर मठाधीश जगतगुरु परम पूज्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी से समाजसेवी मनोज अग्रवाल व महेंद्र कटारिया ने अपने साथियों सहित मिलकर आशीर्वाद लिया एवं शॉल पहनाकर उनका सत्कार किया। प्रसिद्ध उद्योगपति व समाजसेवी पूनमचंद मालू मुख्य रूप से उपस्थित थे। मधुसूदन सारडा ने भी स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके अथक प्रयास से यह सत्कार समारोह संपन्न हुआ। मनोज अग्रवाल ने मंदिर ट्रस्ट का आभार माना। पुरुषोत्तम मालू, वासुदेव मालू, सुनील बजाज, घासीदास मालू, श्रवण मालू आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। गर्मी के दिन चल रहे हैं, हवाओं का भरोसा नहीं कि वह उत्तर दक्षिण की दिशा में चले या पूर्व पश्चिम। इन दिनों सफाई कर्मी रोड का कचरा कंपाउंड और रोड के किनारे लगाकर जला रहे हैं। इससे कंपाउंड के पेंट की दुर्गति तो हो ही रही है, लेकिन इससे कई गुना बड़ी समस्या रोड के किनारे कचरा जलाने से उत्पन्न हो रही है। गर्मी के दिनों में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति न जाने कहां सो जाता है, लेकिन यह देखकर बहुत दुख होता है कि समझदार कर्मचारी उसके पास ही कचरा जला दे, जहां पेड़ भी हो और कोई इंसान सुकून की नींद सो रहा हो। अगर यह आग विकराल रूप ले ले तो क्या भरोसा कि वह किसी इंसान की जान का दुश्मन बन जाए। संग्रहित कचरे को कचरा गाड़ी में ले जाना अच्छा है या इधर उधर जलाना बेहतर। इस आशय के विचार जमाते इस्लामी हिंद नागपुर के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर एम ए रशीद ने व्यक्त किए। उन्होंने आपत्ति का निराकरण करने की मांग करते हुए इस विषय पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि ऐसे कचरे को उपयुक्त स्थान पर ले जाकर ही जलाया जाना चाहिए ताकि दूसरों के लिए खतरा पैदा न हो। महर्षि नाथूबाबा चौक नागपुर में निषाद पार्टी द्वारा किशोर करतार व कला रामलाल नायक के नेतृत्व में महाराजा निषाद जयंती मनाई गई। जयंती उपलक्ष्य में कला रामलाल नायक ने कहा कि निषाद वंशीय भोई समाज ने एकजुट होकर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए व सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज बंधुओं का आत्मविश्वास उनका साथ देकर बढ़ाना चाहिए। निषाद जयंती को सफल बनाने संगीता किशोर करतार, रजनी कैलाश गौर, प्रीति महेश गौर, नूतन सुरेश गौर, गुड़िया महेश गौर, सरोज नंदलाल गौर, सुंदर रेवाराम गौर, उमाबाई गौर, संतोबाई गौर,
प्रोफेसर राहुल गौर, राजेश पन्नालाल गौर, सीताबाई शंकरलाल गौर, बंसीलाल गौर, पुंडलिकराव बावनकुड़े, मनीष महेशलाल बाथो, पवन नायक, इंद्रेश गौर, आकाश भीम गौर, संतोष गौर, तानू गौर, महेश गौर, कुंदन गौर, खेमचंद कटरे, महेंद्र गौर, आनंद गौर, नारायण ठाकुर, शुभम करतार, रोहित गौर, बिंदिया गौर आदि ने अथक परिश्रम किया। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र में वैष्णो देवी चौक पर सहकारिया मंच ने धूप से बचाव की, होम्योपैथी दवाई, साफ सफाई कर्मचारी व अन्य नागरिकों को निशुल्क वितरण की। इस नेक कार्य के लिए दवाई डॉक्टर विनीत कारिया द्वारा उपलब्ध कराई गई। मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में ये दवा वितरण का कार्य किया गया। इस अवसर पर महेंद्र कटारिया, हितेश जोशी, मुकुल केवलिया, मधुसूदन सारड़ा, अरुण घीमे, मुकेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राम अवध को उनकी पेंटिंग के लिए राजा रवि वर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्हें ललित कला केंद्र असम की ओर से आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में राजा रवि वर्मा स्वर्ण सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान स्वरूप उन्हें मेडल एवं प्रमाण पत्र दिया गया। डॉक्टर राम अवध द्वारा नारी का पुनर्योजन विषय पर बनाई गई पेंटिंग का इस सम्मेलन के लिए चयन किया गया था। प्रतियोगिता में देश तथा विदेश से प्रतिभागी शामिल हुए। डॉक्टर राम अवध एक युवा चित्रकार है जिन्हें इससे पहले भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं। उन्होंने पेंटिंग क्षेत्र में ही पीएचडी की है। उनका बचपन से ही पेंटिंग के प्रति लगाव रहा है। उनकी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने उन्हें बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी है। समस्त विश्वविद्यालय परिवार ने भी डॉक्टर राम अवध को बधाई दी है। मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस सप्ताह में ऑरेंज और इक्का लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 45,000 के पार हो गई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के पूर्व महामेट्रो नागपुर मेट्रो रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 60,000 तक पार कर चुका था। परिस्थिति जैसे तैसे सामान्य होती गई, यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता गया। महामेट्रो के रीच 2 तथा रीच 4 प्रजापति नगर मेट्रो लाइन पर यात्री सेवा प्रारंभ होने पर निश्चित ही सफर करने वाले यात्रियों का ये आंकड़ा 1,00,000 के पार हो जाएगा। भीषण गर्मी के मौसम में नागरिक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा का उपयोग कर रहे हैं। कस्तूरचंद पार्क स्टेशन से खापरी और लोकमान्य नगर के लिए दोनों ओर से सुबह 6:30 से रात 9:30 बजे तक 15-15 मिनट में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। न्यूनतम शुल्क ₹5 तथा अधिकतम शुल्क ₹10 होने की वजह से विशेषकर नौकरी पेशा व्यापारी, कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थी सर्वाधिक संख्या में मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। सभी को मेट्रो में साइकिल ले जाने की सहूलियत दिए जाने से विद्यार्थियों के बीच मेट्रो काफी पॉपुलर हो गया है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नंदनवन नागपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मिलिंद एन सूर्यवंशी, प्रभारी सहायक निदेशक के संबोधन से हुई। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर यूआर शेखर नंबूरी, अनुसंधान अधिकारी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत शिंदे, अनुसंधान अधिकारी एवं संस्थान के कर्मचारीगण उपस्थित थे। संस्थान के डॉक्टर मिलिंद एन सूर्यवंशी, प्रभारी सहायक निदेशक ने उपस्थित रोगियों एवं कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी साझा की। सभी रोगियों में प्रभारी महोदय द्वारा अश्वगंधा वटी, च्यवनप्राश का वितरण किया गया। संस्थान में आने वाले सभी रोगियों की निशुल्क हीमोग्लोबिन एवं शुगर की जांच की गई। अंत में अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर प्रशांत शिंदे द्वारा संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा रोगियों एवं संस्थान के प्रभारी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम के संपन्न होने की उद्घोषणा हुई। संस्थान के लगभग 100 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रोगियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी मेडिकल सेल की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश मेडिकल सेल से महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत योजना को गति देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना भारत के सभी नागरिकों को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। बैठक का आयोजन भाजपा मेडिकल सेल महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा किया गया था। डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि भाजपा मेडिकल सेल के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, स्वास्थ्य बालिका कुपोषण मुक्ति अभियान, टीकाकरण अभियान और महाराष्ट्र प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों में कार्य किया है और आगे के कार्यों के लिए उन्होंने सदस्यों को शुभकामनाएं दी है। बैठक में भाजपा के प्रदेश महासचिव श्रीकांत भारतिया, भाजपा मेडिकल सेल के राज्य संयोजक डॉक्टर अजित गोपछड़े, भाजपा मेडिकल सेल के विदर्भ के समन्वयक डॉक्टर विंकी रुघवानी, डॉक्टर बालासाहेब हरपाले, डॉक्टर स्वप्निल मंत्री, डॉक्टर गोविंद भटाने ने भाग लिया।
मेयो हॉस्पिटल के सामने महर्षि नाथूबाबा चौक नागपुर, यहां पर भोई समाज ने किशोर करतार के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल भोई समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। समाज के अधिकांश लोग 200 रुपए या 300 रुपए रोजंदारी से काम करते हैं। ऐसे लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अधिकांश लोग किराए के घरों में रहते हैं। ऐसे में घर का किराया भरे या पेट भरे या बच्चों को पढ़ाए या गंभीर समस्या लोगों के सामने आई है। भारत में रहने वाले 80% लोग गरीब हैं। ऐसे में सिलेंडर के भाव 1020 रुपए, खाने के सोयाबीन तेल के भाव प्रति डब्बा 2600 रुपए, फल्ली तेल 2900 रुपए, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई की किताब भी 25% महंगी की गई। पेट्रोल के भाव 119 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ऐसे में जनता जिए तो कैसे जिए। इस चिंता में घर का पालन पोषण करने वाला कर्ता रात को सोता नहीं है और दिन में ज्यादा पैसे कमाऊं इस चिंता में लिप्त रहता है। इस समस्या की ओर सरकार ने ध्यान देकर जल्द से जल्द महंगाई कम से कम 50% कम करना चाहिए। इस आशय के विचार समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने व्यक्त किए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और इंडियन फुटवेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि 31 दिसंबर से पूर्व के अनुसार 1000 रुपए से कम कीमत वाले फुटवेयर पर जीएसटी कर दर 5% ही रखा जाए तथा उससे ऊपर की कीमत वाले फुटवेयर पर कर दर 12% रखी जाए। वहीं दूसरी ओर दोनों कैट एवं आईएफए ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी आग्रह किया है कि वे 1000 रुपए से ऊपर के फुटवेयर पर ही बीआईएस स्टैंडर्ड को लागू करें। अपने इस आग्रह पर दोनों संगठनों ने तर्क दिया है कि देश की लगभग 85% आबादी 1000 रुपए से कम कीमत के फुटवेयर इस्तेमाल करती है और इसलिए जीएसटी कर की दर में कोई भी वृद्धि की मार सीधे देश के 85% लोगों पर पड़ेगी। और चूंकि 90% फुटवेयर का उत्पादन बड़े पैमाने पर छोटे और गरीब लोगों द्वारा किया जाता है या घर में चल रहे उद्योग एवं कुटीर उद्योग में किया जाता है, इस वजह से भारत में फुटवेयर निर्माण के बड़े हिस्से पर बीआईएस मानकों का पालन करना बेहद मुश्किल और अत्यंत जटिल काम है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने मुंबई और नागपुर के बीच 18 साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। विवरण इस प्रकार है। गाड़ी नंबर 01033 मुंबई नागपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन दिनांक 9 अप्रैल 2022 से 9 सितंबर 2022 तक प्रत्येक शनिवार को रात के 12:15 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 3:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। गाड़ी नंबर 01034 नागपुर मुंबई साप्ताहिक विशेष ट्रेन दिनांक 10 अप्रैल 2022 से 5 जून 2022 तक प्रत्येक रविवार को दोपहर 1:30 बजे नागपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:15 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई पहुंचेगी। दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड़, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मूर्तिजापुर, बडनेरा, दामनगांव और वर्धा में ट्रेन का ठहराव रहेगा। एक एसी 2 टायर, 5 एसी 3 टायर, 10 शयनयान श्रेणी, 5 सामान्य द्वितीय श्रेणी और एक जनरेटर वैन, इस प्रकार ट्रेन में कोचेस की संरचना होगी। अध्यक्ष मोहन गुरनानी और अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल के नेतृत्व में चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड कैमिट के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से राज्यभर में महानगर पालिकाओं के गलेधरक किरायेदारों के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आभार व्यक्त किया। शुरुआत में मोहन गुरनानी ने देवेंद्र फडणवीस का पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल से स्वागत किया। डॉक्टर दीपेन अग्रवाल ने राज्य के गलेधरक की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2019 में अनजाने में राज्य भर में संबंधित नगर निगमों के पट्टेदारों किरायेदारों के साथ अन्याय हुआ है। कैमिट ने 2019 में मसौदा नियमों का बड़ा विरोध किया था। इसके बाद कैमिट छोटे और सीमांत व्यापारियों को किराए में एक तरफा अत्यधिक वृद्धि से राहत दिलाने के लिए सभी स्तरों पर सरकार और प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया। कैमिट टीम ने समय समय पर सांसद कृपाल तुमाने, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, परिवहन मंत्री अनिल परब, पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, एमपीसीसी अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य नेताओं से मुलाकात कर इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने और इसे सुलझाने की अपील की है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,143 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,87,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।